दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 50x65 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। 50x60 फिट काफ़ी बड़ा एरिया होता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कार पार्किंग, डबल कार पार्किंग मिलती है और चारों तरफ स्पेस मिलता है, जिससे प्रॉपर घर का वेंटिलेशन होता रहे। चारों तरफ विंडो आपका लग जाएगा तो प्रॉपर घर का वेंटिलेशन होता है, तो बहुत ही बेहतरीन सा प्लान। और जगह भी आपको 50x65 फिट टोटल ओवरऑल मिलती है। 50 फिट इसका फ्रंट है, इस पिलर से लेकर इधर तक, और 65 फिट इसका लंबाई है ओवरऑल। तो इसी को डिस्कस करेंगे। जहां पर आपका मेन डोर यहां पर ये होगा और स्लोप भी मैंने यहां पर दिया है। इसके बाद आपका ग्रीन एरिया होगा और आपका यहां पर कार पार्किंग की सारी व्यवस्थाएँ होंगी। तो इसी को डिस्कस करेंगे। इसका पूरा प्लान तो बने इस वीडियो में। लगातार मैं हूँ कौन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो जो आज का प्लान है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा दूं, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिले। तो आप ये देख पा रहे हो, ये रेलिंग जो ग्रिल मैंने यूज़ किया, ये आयरन की है दोस्तों। आप कहीं पर भी दुकान में आप बनवा सकते हैं इसके। इसके बाद आपने देखा होगा गाँव में ये जो स्लोप भी आपका ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो गांव में खफरेल टाइप का डिज़ाइन आपने देखा होगा, बहुत सारे डिज़ाइन देखते हैं, तो वही है मैंने यहाँ पर इसका डिज़ाइन दिया हुआ है। लेकिन इसका कलर डिफरेंट कर दिया है, रेड की जगह यहाँ पर आपको ब्लू कर दिया है। तो चलो पूरा इसका ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो ग्राउंड फ्लोर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ। आप ये देखिएगा, इस मेन रोड से एंट्री करेंगे, इसके बाद आप ग्रीन एरिया में आ जाते हैं। तो सबसे पहले चारों तरफ की अगर हम बात करें तो लगभग 3-3 फिट चारों तरफ स्पेस है, जिससे आपका चारों तरफ विंडो लग जाए और प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। अब हम बात करते हैं फ्रंट से। जब फ्रंट में आप आते हैं तो यहाँ पर डबल कार पार्किंग है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आप हॉल में, जहाँ पर कार पार्किंग वगैरह कर पाएंगे। इसके बाद सबसे फ्रंट में आपके बेडरूम मिलता है और एक ही डोर और विंडो, ये एज ए ऑफिस पर्पज से मैंने क्रिएट किया। आप इसे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। और इसके बाद इसी ऑफिस से या गेस्ट रूम से एक मैंने अटैच लेट एंड बाथ एरिया ये दिया है। ये डोर आप देख रहे होंगे, इससे आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे लेट एंड बाथ। अब हम बात करते हैं इससे कार पार्किंग से आप अंदर जाएंगे तो ये मेन डोर है, जहाँ से आप अंदर जाएंगे विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए। जैसे आप अंदर पहुँचते हैं तो आपको बड़ा सा एक हॉल मिलता है। इस हॉल से सभी जगह आपकी एंट्री होने वाली है, सभी बेडरूम्स में, लेट एंड बाथ में। तो सबसे पहले इस साइड की हम बात करते हैं। तो ये दो आपको ब्लॉक दिख रहे होंगे, दोनों ब्लॉक लेट एंड बाथ कंबाइंड है। आप ये यूज कर सकते हैं, सेपरेट नहीं है, कंबाइंड है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर यूज कर सकता है घर का। इसके बाद इस कॉर्नर पर आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है, जिसको जिसके जाने के लिए आपको ये डोर मिलता है। और इस साइड आपका ये स्पेस जो बीच में दिखता है, यहाँ पर आपको मैंने विंडो दिया है चारों तरफ। आप देखिएगा जो इधर बेडरूम ये हैं, उन दोनों बेडरूम से मैंने यहाँ पर विंडो दिया है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, रोशनी आएगी चारों तरफ। ये देखिएगा मैंने विंडो, जहाँ पर विंडो देना है विंडो दिया है। तो ये आप देख लीजिए चारों तरफ, चारों सभी में विंडो और वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर लगा रखा है। तो ये अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो आपको दो लेट एंड बाद, इसके बाद कॉर्नर पर बेडरूम, और इस साइड आपका स्टेयर्स है, जहाँ से आप इधर से चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और जस्ट चढ़ते जाते हैं, वो टर्न होकर फिर वापस आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम राइट हैंड की बात करें तो इस हॉल से इस कॉर्नर पर एक बड़ा सा बेडरूम, और इसके बाद ये आपका जो एरिया है, ये आपका किचन एरिया यहाँ पर बन जाता है। जस्ट इसके बगल में पूजा घर आपको दिख रहा है, ये आपका पूजा घर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेडरूम, पूजा घर और किचन, इसके बाद ये एक और बेडरूम आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 बेडरूम अंदर मिलते हैं, एक ये ऑफिस या ऐसे गेस्ट रूम समझ सकते हैं। तो ओवरऑल 4 बेडरूम मिलते हैं, 2 यहाँ पर एक अटैच्ड लेट एंड बाथ मिलता है जो इस्तेमाल कर पाएंगे इस ऑफिस के पर्पज से, और 2 सेपरेट लेट एंड बाथ मिलते हैं आपको इधर। और ये आपका किचन है और ये पूजा घर, ये बड़ा सा हॉल, और यहाँ पर भी आप ऐसे लॉबी या लॉन के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेयर्स है आपकी, और फ्रंट में आपको 2 कार पार्किंग के लिए स्पेस देखने को मिलता है। तो 50x65 फिट में बेहतरीन सा मॉडल आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर की बात करें स्टेयर्स के माध्यम से, जैसे आप ऊपर आते हैं तो मैंने सारी चीज़ें हटा दी, सिर्फ जितने भी बेडरूम थे वो सारे रिमूव कर दिए, केवल हॉल रखा है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की वो हॉल की थी। तो सब चीज़ मैंने हटाकर आपका यहाँ पर हॉल रखा है। जो फ्रंट में गेस्ट रूम था सिर्फ वो यहाँ पर बचा हुआ है, और बाद बाकी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर हटा दी हैं। और ये जो नीचे आपका कार पार्किंग का एरिया था, वो आपका यहाँ पर लॉबी बन जाती है बड़ी सी, और ये काफ़ी बड़ा एरिया, अगर आप चाहें तो बेडरूम वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं थी कस्टमर की, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें क्रिएट नहीं की है। ग्रिल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रेलिंग बहुत ही सिंपल लगाई है, लो बजट की रेलिंग है, आप देख सकते हैं आयरन की, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। और ये आपका जो डिज़ाइन है, गाँव में जो खपरेल टाइप का रखते हैं वो सारा डिज़ाइन देखने को मिलता है।
अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर कुछ भी नहीं, स्टेयर के माध्यम से जैसे आएंगे आप पास वही जो फ्रंट वाला बेडरूम था वही है, और आपका ये ग्रिल लगा हुआ है, ये आपकी रेलिंग बन जाती है। और लास्ट में मैंने इस रूम को जो बेडरूम था उसको छत से ढक दिया है। तो ओवरऑल 50x65 फिट में ये मकान आपका बनकर रेडी हो जाता है। वेंटिलेशन की कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि चारों तरफ विंडो दिया हुआ है, इसीलिए दो दो तीन तीन फुट जगह मैंने चारों तरफ छोड़ दी है। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें। और दोस्तों मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है, अगर किसी भी टाइप का आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पेमेंट आपको 50% एडवांस देना होता है, और पेमेंट आप तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए, अन्यथा आप अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। तो कोई भी डाउट है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और लेकिन व्हाट्सअप पर वही लोग कॉन्टैक्ट करें जो पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हो, क्योंकि आप अपना भी टाइम ना वेस्ट करें और हमारा भी ना वेस्ट करें। तो इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।